जो खेसारी भैया हमारे ये सीनियर हैं, लेकिन ये भोजपुरी इंडस्ट्री में पूरा तहलका मचा दिए हैं। वो हम लोग के भी गुरु हैं, लेकिन हम लोग कुछ कहना नहीं चाहते हैं, बस ये कहना चाहते हैं कि आप लोग झगड़ा मत करिए। अच्छा। ये इनका रितेश पांडे से हरदम मतलब कुछ ना कुछ अंटपंट रहता है। अच्छा। और एक टुनटुन यादव है हमारे बड़े भाई, जो कि किसी के भी ऊपर कुछ मैटर हुआ नहीं तुरंत उठा के दूसरा गाना घपाक से यूट्यूब पे चढ़ा देंगे। ये गलत है, ऐसा मत कीजिए। याद है कि ज्यादा केहू बोली बदमसवत मुआ दे खेसरिया ठांस के, हाँ तो यही गाना है। तो टुनटुन भैया से हमारा हाथ जोड़ के निवेदन है कि ऐसा मत कीजिए, क्योंकि अभी जितना जल्दी आप उठे हैं ना उतना जल्दी फैन फॉलोइंग आपके नीचे भी आ सकती है। ये मैं सोचे कि हम यादव है और खेसारी भैया हमारा सपोर्ट करें। इस लाइन में कोई किसी का सपोर्ट नहीं करता है, ठीक है। कि महिमा है तेरी मैया जग से निराली, ओढ़ी चुनर कई के बघावा सवारी, हो जगमग करे मैया तो हर भवनामा, अले बदुआरा पे तो हर ललनामा, अले बदुआरा पे तो हर ललनामा। हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप देख रहे हैं पढ़ो तो जानो। तो जैसा कि आप जानते हैं कि भोजपुरी काफ़ी विवादों से घिर चुका है, और आज हम फिर से बात करने वाले हैं भोजपुरी इंडस्ट्री के बारे में। क्यों बात करेंगे? क्योंकि एक भाई मिले हैं, वो अयोध्या में आए थे कुछ साथ गाना रिकॉर्डिंग करवाने। एक सिंगर हैं, शिवांश पांडे नाम करके हैं। तो हम उनसे आज आपको मिलवाएंगे और भोजपुरी के जो थोड़ा विवाद हुआ है उस विवाद के बारे में जानेंगे, विवादों के बारे में जानेंगे, और उनसे जो उनका गाना सुनेंगे कि उन गाना कैसे गाते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, क्या नाम है भाई आपका? शिवांश पांडे नाम है भैया। प्रणाम। जितने भी दर्शक देख रहे हैं इस चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और हमारे बड़े भाई का भी सपोर्ट कीजिए कि आगे बढ़े मेरा भाई। अच्छा, ये बताइए सबसे पहले कि ये जो भोजपुरी इंडस्ट्री में विवाद चल रहा है, इससे आप मतलब वाकिफ हैं कि नहीं? नहीं, ये गलत चल रहा है। जो भी चल रहा है कि जो खेसारी भैया हमारे ये सीनियर हैं, लेकिन ये भोजपुरी इंडस्ट्री में पूरा तहलका मचा दिए हैं। वो हम लोग के भी गुरु हैं, लेकिन हम लोग कुछ कहना नहीं चाहते हैं, बस ये कहना चाहते हैं कि आप लोग झगड़ा मत करिए। अच्छा। ये इनका रितेश पांडे से हरदम मतलब कुछ ना कुछ अंटपंट रहता है। अच्छा। और एक टुनटुन यादव है हमारे बड़े भाई, जो कि किसी के भी ऊपर कुछ मैटर हुआ नहीं तुरंत उठा के दूसरा गाना घपाक से यूट्यूब पे चढ़ा देंगे। अच्छा। ये गलत है, ऐसा मत कीजिए। आपकी फ़ैन फॉलोइंग हो गई तो इसका मतलब ये नहीं कि आप जो मन कहेगा वो करेंगे, ठीक है। आप रितेश पांडे का गाना जो कॉपीराइट किए थे लहंगा लखनऊआ, उसी दिन से आपका फैन फॉलोइंग उतना से हो गया है, ठीक। अच्छा, ये बताइए कि ये जो पवन सिंह स्टेज पे मतलब प्रोग्राम कर रहे थे, उन्होंने कहा कि जो मैंने लकीर खींच दी उस पे रेंग रहे हो और रेंगोगे, इस पे आपका क्या कहना? जी, उस पवन भैया हमारे बड़े हैं, वो भी गुरु समान हैं, लेकिन वो जो कहे हैं वो बिल्कुल सही कहे हैं। अच्छा। कोई इसमें गलत नहीं है। अच्छा। और ये सही गलत नहीं है तो ये बताइए, जैसे इसके पहले जो कहे हैं कि इसके पहले और भोजपुरी इंडस्ट्री में और कोई नहीं था क्या? मनोज तिवारी, दिनेश लाल यादव और भी बाकी लोग, बहुत लोग ऐसे थे जो भोजपुरी इंडस्ट्री को मतलब काफ़ी बड़ा किए, तो इस पे क्या कहें? नहीं, ये आपकी बात सही है। भोजपुरी में मनोज तिवारी भैया, रवि किशन जी, ये बहुत आगे नाम कमाए, लेकिन जब पवन भैया जो हम लोग से सीनियर हैं, हम लोग के गुरु हैं, खेसारी से भी बड़े आदमी हैं, लेकिन उन्होंने कह दिया ये चीज़ कि मैंने ये लकीर खींचा है, इसी लकीर पे सब लोग आए हो, तो क्या कोई गलत नहीं किया उन्होंने, सबसे सही बात उन्होंने किया है। अच्छा। और इस बात पर विवाद करना गलत है, ऐसा नहीं करना चाहिए किसी को। ऐसा नहीं करना चाहिए। अच्छा, ये बताइए, ये टुनटुन यादव ने एक गाना निकाल दिया है कि मतलब खेसरिया धांस दी, ऐसा कुछ करके गाना है। हाँ, क्या याद है आपको? हाँ जी जी, ज़्यादा नहीं निकले, एक लाइन याद है कि ज़्यादा केहू बोली बदमसवत मुआ दे खेसरिया ठांस के। हाँ, तो यही गाना है। तो टुनटुन भैया से हमारा हाथ जोड़ के निवेदन है कि ऐसा मत कीजिए। अच्छा। क्योंकि अभी जितना जल्दी आप उठे हैं ना उतना जल्दी फैन फॉलोइंग आपकी नीचे भी आ सकती है। अच्छा। ये मैं सोचे कि हम यादव है और खेसारी भैया हमारा सपोर्ट करें। इस लाइन में कोई किसी का सपोर्ट नहीं करता है, ठीक है। हम यही कहना चाहते हैं कि आप अच्छे आदमी हैं, एक अच्छे घर से हैं, यादव है, और आप अहिर का हरदम गाना गाते हैं, तो गाइए, अच्छी बात है, लेकिन किसी के ऊपर विवादित का गाना ऐसे उठा के मत गाइए, ठीक है। और हमारे रितेश भैया के ऊपर जो है मतलब गाना जो चोरी करते हैं ये लोग, खेसारी भैया ने कई सारे गाने जो चोरी किया, जब हमारे रितेश भैया का गाना निकाला था कड़वा तेल, तो इन्होंने कड़वा तेल चोरी कर लिया था। उस टाइम में अगर जो जाए चंदा रितेश भैया ना लेके आए होते तो उनका तो कैरियर ये चौपट कर दिए थे, पूरा गारंटी के साथ कह रहे हैं कैरियर चौपट हो गया था। अच्छा। ये वीडियो अगर जो खेसारी भैया देख रहे हैं तो आपके हम कुछ कह नहीं रहे हैं, आपके ऊपर हम गुस्सा नहीं, आप भी आपके भी फ़ैन हैं हम, जिसका गाना अच्छा लगता है उसके हम फ़ैन हैं, लेकिन ऐसा मत करिए
कि किसी को दुख हो और किसी का गाना कॉपीराइट करिए आप। अच्छा आप थोड़ा अपने बारे में परिचय बताइए, क्या नाम है और कहाँ से आए हैं आप यहाँ पे? जी हमारा नाम शिवांश पांडे है और मैं एक गोंडा जिला का रहने वाला हूँ, स्वामी नारायण छपिया में मेरा घर है। अच्छा। और वहीं पर रहता हूँ। मैंने स्ट्रगल जो मैंने मतलब अभी कर रहा हूँ, मैं जब 9 साल का था तभी से मैं गाना गाता हूँ। और यहाँ पे क्या करने आए थे आप? जी यहाँ पे आए थे रिकॉर्डिंग के लिए, एक तो एक गाना अभी कंपोज हो रहा है, मेरा नया गाना आने वाला है, भोजपुरी इंडस्ट्री का एक रोमांटिक सॉन्ग है जो कि आएगा तो बहुत अच्छा रहेगा। अब यहाँ पे बता देंगे तो कॉपीराइट हो जाएगा पहले से ही, तो नहीं अभी इधर नहीं बता सकते। जो इसके पहले जो आपने गाना निकाला हो, कोई गाना आप याद हो, 1-2-3 गाना सुनाइए हमारे दर्शकों को। जी जी गाना तो मैंने 5-6 गाना निकाल चुके हैं, मतलब अभी मतलब उतना हम लोग के पास बजट नहीं है एल्बम करने का, लेकिन अब किसी तरह तैयारी में लगे, पब्लिक का प्यार मिलेगा, दुलार मिलेगा तो आगे जरूर बढ़ेंगे हम लोग। जी तो सुनाइए कोई गाना जो आपको अच्छा लगा हो। जी जी तो एक गाना है मेरा, भक्ति सुना है, भोजपुरी सुना है, क्या सुना है? कोई भी सुना दीजिए, भोजपुरी सुना दीजिए, भक्ति सुना दीजिए, कोई सा। तो भोजपुरी में एक गाना निकला था मेरा, पूरा तो नहीं याद है लेकिन आपको भक्ति थोड़ा सा सुना देते हैं। कि महिमा है तेरी मैया जग से निराली, ओढ़ी चुनर कई के बघावा सवारी, हो जगमग करे मैया तो हर भवनामा, अइले बदुआरा पे तो हर ललनामा, अइले बदुआरा पे तो हर ललनामा। तो ज़्यादा गाना हम इधर नहीं सुना सकते हैं अभी। अच्छा। क्योंकि आप ये बहुत पुराना गाना, मतलब फर्स्ट गीत हमारा यही था। अच्छा। जो मैंने स्टार्टिंग किया यहाँ से, और इस गाने पे अच्छा व्यूज़ गया था हमारा। और मतलब आप लोग से यही निवेदन है कि जैसे सबको आगे प्यार दे रहे हैं, हमको भी दीजिए, हमारा भी गाना सुनिए। तो ये बताइए, हम थोड़ा विवाद की तरफ लौटते हैं। जी जी। ये जो है अभी पवन सिंह के जो सपोर्टर हैं, उनके फैन लोग हैं। जी जी। तो फैन उनके फैन लोग भी कोई गाना निकाले हैं खेसारी के ऊपर, अभी जस्ट 1-2 दिन हुआ है। तो क्या ऐसा मतलब एक दूसरे पे गाना निकाल के भोजपुरी इंडस्ट्री को आगे बढ़ाया जा सकता है? एक दूसरे को मतलब ये एकदम मतलब खींचा खींची हो रहा है ना, एकदम अलगाव हो रहा, जात पात में बांटा जा रहा है एक दूसरे को, क्योंकि वो यादव है तो यादव के समर्थक हैं कुछ, और फिर जो ठाकुर हैं ठाकुर के समर्थक हैं, ब्राह्मण है ब्राह्मण के समर्थक हैं। तो इससे क्या भोजपुरी इंडस्ट्री आगे बढ़ पाएगी? देखिए भोजपुरी इंडस्ट्री में क्या है कि अगर जो ऐसा खींचा खींची करेंगे तो सब मिट जाएगा, क्योंकि इंडस्ट्री जब ये ख़त्म हो गई थी तो मनोज तिवारी भैया हैं जो कि जन्मदाता हैं इसके। अच्छा। लाने में इसको बहुत कठिनाइयाँ पड़ी हैं, और इसको इस तरह मत जाने दीजिए, आपस में फैन फॉलोइंग जैसे रह के अपना काम करिए सब लोग। और मैं भी सुने काफ़ी विवाद इस समय चल रहा है कि मतलब इस समय खेसारी भैया किसी दूसरे के साथ मतलब फिल्म में काम कर रहे हैं, तो मतलब मैटर चल रहा है कि मतलब काजल राघवानी अगर जो बबुआन के साथ काम करेंगे, मतलब पवन सिंह के साथ काम करेंगे तो यादव नहीं रखेगा उनको, और यादव साथ काम करेंगे पांडे नहीं रखेगा। अच्छा। यही सब चल अच्छा, उन्होंने इंटरव्यू में बयान दिया है काजल राघवानी। अच्छा कहीं ये विवाद तो नहीं पवन सिंह खेसारी में कि अक्षरा सिंह ने काम कर लिया खेसारी जी के साथ, जो अभी पानी पानी वाला सॉन्ग आया है, उनके काम करने की वजह से तो नहीं विवाद हुआ है? आपका क्या कहना है? अब देखिए ये तो हम आपको नहीं बता सकते कि 6 साल बाद जो है खेसारी अक्षरा सिंह के साथ काम किए हैं। जी जी 6 साल बाद काम किए खेसारी भैया हमारे, तो मतलब यही गुंजाइश है कि मतलब यही सब चल रहा है जो है, ये सब लतखोरी का काम है, ऐसा मत करिए, नहीं भोजपुरी इंडस्ट्री कभी भी जा सकता है। अच्छा। आधा तो मिट्टी में मिला ही दिए हैं सब लोग, जात पात में बांट करके। देखिए ये कलाकार एक आदमी होता है कि उसका जात पात कोई नहीं होता, ठीक है, बता रहे हैं कि मतलब इन लोग को झगड़ा नहीं करना चाहिए, और कोई भी हीरोइन हो किसी भी हीरो के साथ काम कर सकती है, उसको जहाँ पे फिल्म में परमिशन मिलेगा प्रोड्यूसर उसको जहाँ पे भी कहेंगे वहाँ पे उसको काम करना चाहिए। अच्छा आप गाना सुनाइए कोई बढ़िया, मतलब जो वैसे अपना गाना ना होकर के किसी और का गाना हो जो भोजपुरी में, आप गाना सुनाइए क्योंकि आप भी एक सिंगर हैं, तो हमारे दर्शक आपके गाने को सुनेंगे, क्या पता हमारे दर्शक को आपका गाना अच्छा लगे, आपका आवाज़ अच्छा लगे तो आपको फॉलो भी करेंगे। जी तो गाना हम रितेश पांडे का ही सुनाएंगे। सुनाइए। जी तो एक गाना जो निकाले थे लहंगा लखनऊआ, हो गली में गर्दा उड़ावा त चली, मचे लइकन में अखल बोली, तो लड़कियां कहती है मरल सेंट जब हम गम का हुआ है, हे गोरी तोरे
हे गोरी तोरे चुनरी बा झलका हुआ है, गोरी तोरे चुनरी बा झलका हुआ है, ओ जान मारे लहंगाई लखना हुआ है, कातिल जवानी थरे भी यादाबा, यही परे भैया दुनिया फिदाबा। अब इससे ज़्यादा नहीं सुना पाएंगे हम गाना वाला। अच्छा, कोई और गाना हो जो एक गाना दो और सुनाइए। अच्छा, हमारे दर्शकों को क्या पता आप पसंद आ जाएं, आपको फॉलो करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। जी जी, तो मतलब गाना किसका सुना है? रितेश कोई खेसारी का सुना दीजिए, पवन सिंह का जो आपको लग रहा हो। अच्छा, अच्छा ट्रेंडिंग में चल रहा हो। पवन सिंह का एक आया हमारे गुरु जी का, जो कि बहुत ही अच्छा गाना है। एक बॉलीवुड सॉन्ग लेके आए, तुमसा कोई प्यारा मासूम नहीं है। हो तुम सा कोई प्यारा कोई मासूम नहीं है, तुम जान हो मेरी तुझे मालूम नहीं है। हो तुम सा कोई प्यारा कोई मासूम नहीं है, तुम जान हो मेरी तुझे मालूम नहीं है। तो दोस्तों आपने देखा कि भाई का मैंने गाना सुनाया, इन्होंने अपनी बात रखी भोजपुरी इंडस्ट्री के बारे में, इन्होंने अपने पक्ष को रखा, इन्होंने बताया कि भोजपुरी इंडस्ट्री में ये विवाद नहीं होना चाहिए। तो मुझसे मैं आप लोगों से यही अपील करूंगा कि आप लोग इस भाई का चैनल जो है, चैनल का नाम क्या है भाई आपके? हमारे चैनल का नाम है सिंगर शिवांश पांडे। अच्छा। उस पर भी और हमारे कई सारे कंपनियों से अब गाना आएंगे, जैसे निषाद फिल्म हो गया, आदिशक्ति फिल्म्स हो गया। तो भाई आप लोग जो है भाई का सपोर्ट करिए, क्योंकि अभी भाई जो है छोटा सिंगर है, गाना गाना चाहता है, भोजपुरी इंडस्ट्री में करियर बनाना चाहता है, तो आप लोगों की आवश्यकता है, तो इसका साथ दीजिए। इसका गाना कैसा लगा आप बताइएगा कमेंट बॉक्स में, क्योंकि कुछ कह रहे हैं तो सुन लेते हैं। आप लोग पब्लिक से यही रिक्वेस्ट है कि हमारे भोजपुरी इंडस्ट्री में एक अखिलेश कश्यप नाम का एक राइटर है, तो भैया से रिक्वेस्ट है कि गुस्सा मत होइएगा। आपने एक एक गाना जो चोरी करके देते हैं, अभी एक शिव कुमार बिक्कू जी हैं हमारे, जो कि एक जगह के हैं इसी साइड के, अब उतना हमको फाइनली नहीं मालूम है, वो भी एक भाई है। तो उसका एक गाना आया था आज के एक डेढ़ साल दो साल पहले, कि नैहर के पलती है जानू पकड़ा एल्बा मेडिकल रिपोर्ट में। अच्छा। तो वो गाना जो है कॉपी करके ये जो है उठा के प्रमोद प्रेमी को दे दिए। ये सब मत करिए, आपको अगर जो नाम कमाना है पूरे वर्ल्ड में तो आप खुद का गाना लिखिए। हाँ, आप खुद का गाना लिखते हैं, लेकिन जिसका लिखे रहते हैं बस वही गाना उसको गवा के बस दूसरे को गवा देते हैं, ऐसा काम मत करिए। आपसे रिक्वेस्ट है भैया। तो दोस्तों जैसा कि आप लोगों ने देखा कि भाई ने अपनी बातों को रखा आप लोगों के समक्ष, आप लोगों की क्या राय है आप लोग कमेंट बॉक्स में करके बताइएगा, और भाई का गाना कैसे लगा वो भी आप लोग कमेंट बॉक्स में करके बताइएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके शेयर भी कर दीजिएगा। तो दोस्तों फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।